क्यों रहते? इजराइल में रहते। ये तो क्या अभी इजराइल? हम जलसे में। तुमने गुजरे? हाँ गुजर गुजर। हम किसकी जलसा? हम इजराइल में रहते हैं। जलसा किए रहे? जलसा है इसका। 10 साल में किसको वोट दिया? 5-7 साल में नेशनल को दिया। नेशनल को? नेशनल। अब किसको? एक साल आपको मुफ्त राशन इस हुकूमत में मिली, इस साल मिलती है। ये हमारा फायदा हुआ और हमारा कोई फायदा? किस पार्टी? जब मैं खान साहब के साथ आया हूँ इंशाल्लाह। मैं खान साहब को वोट? किस पार्टी से है? खान साहब पीडीपी के साथ है। पीडीपी के साथ? जी। अच्छा, तब किसको वोट दे रहे थे? पहले नेशनल को दे रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को? जो दी आजादी पहले पहले से जो हमारा आजादी था पहले थे, वो नेशनल को देता था। वो हमको कहता था तुम्हारी पुप्पी है जो बेगम है, वो तुम्हारी पुप्पी है। मगर चौधरी अपना नाम बोलो। गुलाम रसूल। कहाँ से आप? गुलाम रसूल। इधर क्या करने आए? इधर आए हम उनको मुबारक देने, बीजेपी के मुबारकबादी देने आए हूँ। किसको? आबिद खान को। आबिद खान को? आबिद खान कौन है? आबिद खान है इसका बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। तो इधर क्या करने आए हैं? इधर आए इसके साथ कुछ मुलाकात करनी है। खुद आए हैं? खुद आए। वोट कितना जरूरी है? वोट डालना कितना जरूरी है? वोट अहम है इस वक्त हर के लिए। उससे क्या होता है? उससे अपना हक मिलता है, उससे अपना हक मिलता है। जो वोट डालेगा सही चुनाव करेगा, कौन आदमी इसके लायक है कौन नहीं, तो वो अच्छा होगा। मुझे चाचा ये बताओ कि किसको आप वोट देंगे? वोट देंगे बीजेपी को। सीधे बीजेपी को? सीधे बीजेपी। इतने साल किसको दिए थे? इतने साल हमने बहुत पार्टी को दिया। पहले नेशनल थे, फिर कांग्रेस थे, पीडीपी थी, अब इस साल ये भी देखेंगे। अब इसका देखेंगे मतलब क्या मकसद रहेगा? किस हिसाब से देंगे? मतलब हम देंगे इस हिसाब से जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा चलेगा रईस के साथ, उसी के साथ हम चलेंगे। आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है? हाँ इंशाल्लाह अच्छा हो रहा है। किस हिसाब से अच्छा लग रहा है? हर हिसाब से अच्छा हो रहा है। अब अगर किसी को जरूरत तर भी अचार, वो पहले डीसी हाउस पहुँचते थे, फिर उसमें धांधली करते थे ये बड़े बड़े लोग। आज जिसको जो मिलता है वो अकाउंट में जाता है, बूढ़ों को फंड नहीं थी मिलती। अगर किसी को मकान का नुकसान हो जाता था, फिर अगर 10,000 रुपया आता था उसमें 1,000 उसको मिलता था, आज पूरा मिलता है। तो इसीलिए आप इसीलिए किसको वोट देंगे? बीजेपी को। और किसी से मुलाकात करेंगे? गुलाम हसन बोकड़ा। कहाँ से आप? लामर हालन। हम गुजर है? हम गुजर है। इधर क्या कर रहे हो? अब आबिद खान का जलसा था यहाँ, इसको खुश मनाने के लिए इसको उदा मिला कुछ, तो इस खुशी से हम आ गया इसके सामने। आबिद खान कौन है? आबिद खान बीजेपी का है। उसी सिलसिले में आए? उसी सिलसिले में। अपनी मर्जी से? मर्जी से, मर्जी से, खुशी अपनी से आए। तो वोट अगर डालने हो तो कितो डालो? वो बीजेपी को डालेंगे। अब जिसका 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 फायदा हमको मिलता है, तो चावल भी उससे वो ही देता है। पैसे नहीं मिलता था तब? तो नहीं मिलता था। पहले कहाँ मिला था? पहले हमको साल के महीने के लिए भी नहीं पूरा मिले था। आज तो हमको मुफ्त राशन भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, हम उसी का शुक्रगुजार हूँ। तो वोट किसको देंगे? बीजेपी को। तो ऐसा क्यों है? मतलब चेंज क्या आई आपको? चेंज ये आई हमको, सख्ती आ रही। पहले इससे पहले बहुत सख्ती थी, वो खाना मिलता नहीं था, पैसे नहीं था, कुछ नहीं थी, गरीबी बहुत थी। हमको जो भी आता था अब अमेले होता था, वो हमको हक अपना मिलता नहीं था। हमको अब मिल रहा है? अब मिलता है। तब किसको वोट दे रहे थे? पहले नेशनल को दे रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को? जो दी आजादी पहले पहले से जो हमारा आजादी था पहले थे, वो नेशनल को देता था। वो हमको कहता था तुम्हारी पुप्पी है जो बेगम है, वो तुम्हारी पुप्पी है। मगर ऐसे धोखे से आज जो हमको पता लग गया, हमारे सभी धोखा करता है। आज हमको सभी धोखा करता है। आज हम इसे बीजेपी के साथ चलूंगा, जिसको फायदा मिल जाएगा। हाँ मिलेगा, मिलेगा भी। मेरा नाम अब्दुल गनी है। इधर क्यों करने आए? इधर आया खान साहब के पास, हम बीजेपी में आया। खान साहब कौन है? खान साहब है ये आबिद खान। अच्छा अच्छा, ये कौन है? कौन ये आबिद साहब? कौन है आबिद साहब? ये बोनी का बीजेपी का है। अच्छा, अगर वोट डालने होगे किसको देंगे? हम डालेंगे इसे को, बीजेपी को। बीजेपी को नहीं, आप इस आबिद खान को डालो। आबिद खान को? आबिद खान को। ये आप तो बीजेपी बता रहे थे। अगर आबिद खान फॉर एग्जाम्पल मान लिया कल पार्टी चेंज हो गई, आप किसको वोट दोगे?
हमने वादा किया, हमने वादा किया इसके साथ। वादा किसके साथ किया? इसके आबिद खान के साथ। मुफ्त में वादा किया, पैसे देके वादा? नहीं नहीं, मुफ्त में, मुफ्त में। अभी तक हमने कुछ देखा, कुछ नहीं लिया। हमको मकान नहीं, हमको कोठा है कच्चा। अच्छा, हमको कुछ नहीं मिला। हमको पहली जब सिकिना थी तब से जुल्म हुआ है। हम कहाँ आया इसे? हमको कच्चा जुल्म हुआ। उसने तो इतने रोड कनेक्टिविटी वगैरह, रोड कनेक्टिविटी दिया, गरीबों को दिया नहीं कुछ। गरीबों को पांच सरपंच रखा, उन्हें लुटा, उन्हें खाया, उन्हें पैसा लिया। एक चीज है, हमको आईवाई शर्ट मिला नहीं है, नहीं मिला है। उन्हें बोला देगा देगा, देने देने से जब तक उन्हें वो अपना काम मकाया, अपना मकान बनाया, हमको कुछ नहीं मिला। हमको कोठा है, इस वक्त खुद फौज के पास भी हमारा कोठा लिखा है, हर पुलिस के पास भी है, लम्बरदार चौकीदार के पास। अब तो कुछ मिला ही नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि मैं किसी और को दे दूंगा? वोट दूंगा मैं इसके साथ, वादा की मर्जी है, मर्जी है, मर्जी है। मैं वादा किया, मुझे शर्ट देना, मैं वोट दूंगा। किसी को नहीं वोट देगा, इसी को देगा। और किसी से बात करेंगे? मेरा बिशेर नाम है। किधर रहते हो? कहाँ रहते हो? हम भोजर हैं। हाँ हाँ, कहाँ रहते हो चाचा? ये इधर रहते हैं। बता 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 बता, बैठ ना चाचा, हमें कुछ गल करांगा, हमें गल करांगा। दिल्ली बात है, कहाँ रहते हैं? किनारे पर हमारा ग्राउंड छमगोंड। छमगोंड? छमगोंड नहीं, पर खुनूर है। खुनूर है, खुनूर रहता है। हाँ, खुनूर है। इधर क्या करने आयो? हाँ, इधर क्या करने आया? दशा माया और किधर आया? क्या करने के लिए आया? इधर क्या करने के लिए आया? दशा माया। हाँ, वोट वोट किसको दोगे? अबुद को, अबुद खान को दोगे? अबुद खान को? हाँ। आप बता कहाँ से है? मैं हम गोजर है, खुलेरा से। जी हम गोजर। इधर क्या प्रोग्राम है? इधर आया जलसा में। जलसा में? किसका किसका जलसा? ये आबिद खान का। आबिद खान का जी। अगर वोट डालना होगा किसको दोगे? बीजेपी को। हम यहाँ मुबारकबाद आबिद खान को। अच्छा, इंशाल्लाह हम बीजेपी को वोट डालेगा और हमारा जो मुफाद वो हमको मिलने चाहिए। और हमारा एसटी का जो अलग मसला होता है वो अलग होता है, हम किसी के साथ नहीं है। खासकर एसटी के ब्लॉक प्रतिदान, वाइस प्रतिदान, खास गुजर होना चाहिए। अभी तक किसको वोट दिया? वोट दिया इंशाल्लाह बीजेपी को दिया। कितने साल से वोट डाल रहे? वोट बहुत साल से डाल रहा था, पहले नेशनल को वोट दिया, फिर आज खासकर बीजेपी को वोट दिया। क्यों खासकर बीजेपी को वोट दिया? आज क्यों देंगे वो बीजेपी को? बीजेपी उसमें फायदा हमको मिला, राशन के मुतालिक और कामों के मुतालिक हमको फायदा मिल गया। हमको गोल्डन कार्ड मिल गया, हमको दो दो पांच पांच हजार छह छह हजार रुपया मोदी दिया। रविंद्र साहब हमारी मदद कर रहा है, उसके मुतालिक बीजेपी के साथ हम जुड़ कर वोट। एक चीज है ना, सुन, ये हमने भी देखा है कि जब इलेक्शन नजदीक होता है तो सब गले लगाते हैं। नहीं, हमको 10 साल होगी खासकर बीजेपी के साथ चलता है। अच्छा, तो वोट भी उसी को देंगे? हाँ, वोट बीजेपी को देगा। अपना नाम बताएं। जी शायद, आप कहाँ से? ये माला पहना है, आप क्या बीजेपी के? जी मैं मीडिया इंचार्ज। मीडिया इंचार्ज जी, माला किस वजह से पहना है? जी ऐसे ही पहना है, ऐसे ही। आबिद खान साहब की खुशी है तो नहीं, खुशी उनकी है, आप क्यों? हमने पहना है उसको, उसने वापस दिया हमको पहना। अच्छा, उसने पहना है। जी जी, नाम बताएं। मेरा नाम है गुलाम अहमद वानी। कहाँ से आप? मैं देवसर चैन से रहने वाला हूँ। ये मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम है? यहाँ पे आज मोहतरम जनाब आबिद खान साहब बोनीगाम से आए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे दूर दराज वाला, खास कर गुजर बरिस्ती, देवसर, कुलगाम, ये ब्रिन्यल, लामड़, अखाल, मतलब बहुत से दूर दराज वाले से, इधर शिपिन से मैंने देखे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हैं, इधर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, अपनी अपनी राय, मतलब सब राय की इजहार कर रहे हैं। बस हम भी यही कहना चाहते हैं कि इंशाल्लाह रहमान, हमने आज तक तो हमने बहुत पार्टियों को वोट दिया, लेकिन सिर्फ धोखा हमने खाया। किसको आज तक वोट दिया? आज तो हमने पीडी को भी, जी महबूब मुफ्ती को और उमर अब्दुल्ला को, जैसे फारूक अब्दुल्ला आ रहे थे, उसके बाद उमर अब्दुल्ला आ रहे थे, तो बहुत सी पार्टियों को हमने आज तक वोट दिया, लेकिन सिर्फ धोखा धोखा खाया। कैसे आपने धोखा खाया? धोखा जनाब, जब भी हमें कोई भी उसको काम बोल रहे हैं तो कोई सुनाई नहीं हो रहा है उधर से। आज हो रही है इंशाल्लाह रहमान, हमें यही उम्मीद है, यही उम्मीद हम आज भी लेकर आए थे। और बहुत से मसले जो भी हम दिल से बोलना हो, हम सच बोले, जो भी हम झूठ नहीं बोलते हैं, बोलेंगे जो भी हमने आज तक, मतलब कोई भी, मतलब आपने ईमान रखा है वो तो मैं मान गया। हमने आज तक जो भी इंशाल्लाह हम बीजेपी को देंगे, आबिद साहब को इंशाल्लाह कामयाब करना है। हमने उसके हाथ में मतलब दो तीन काम दिए थे। ऐसा क्या है, सुनिए मेरी बात, ऐसा क्या है आप बता रहे हैं कि मैं, अगर आप काफी टाइम से किसी और पार्टी को वोट दे रहे, सडनली चेंज, ऐसा क्या हुआ? आज यही बात हो रहा है कि जो भी मैंने दो तीन काम मैंने आबिद साहब को बता दिया कि मुझे जनाब ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसे हल कर दिया।
जिसको हमें मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख मतलब कोई मतलब मांग रहे थे, हमें जितने पैसे दो तो हम यह काम हल करेंगे। आबिद साहब भाई एक आदमी गाड़ी लेकर सीधे अंदर घुस गए, तो वो काम पहले पैसे मांगते थे आप नहीं मांग रहे ना? नहीं नहीं नहीं, वो कोई इसका मतलब है कि गवर्नमेंट नहीं करेंगे, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी है, ट्रांसपेरेंसी वो तो आ गई ना। वो जनाब क्या करें, मैं इससे इतना मैं ज्यादा नहीं, मैं बस इतना कहूँ की इंशाल्लाह आबिद साहब को हमने कामयाब करना है, इंशा हमें हमारा जो भी मसला मसाइल हो इंशाल्लाह आबिद साहब हमें ठीक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तुम गल सुनो, नाम क्यों? मेरा नाम इलमदीन। इलमदीन कहाँ से आओ? हम यही रेकीपुरे से। इधर क्या करने आया? इधर आया जुलूस में, हमारे ऊपर बहुत जनाब हमको तंगी है ना, हमको जनाब इमान उधर कोई रास्ता है ना, उधर कोई भाड़ देते हैं, उस हमारे पूरे में कोई नजर नहीं देता। किधर किधर? यही रेकीपुरा। रेकीपुरा? हाँ। मैं तो हजार बार डीसी के साथ उधर गया, सब कुछ हो रहा है ना। ना देख लो, रेकीपुरा अलग एक पिंड है, उसमें 40 घर है खाली। अच्छा, यही और रेकीपुरा वो हल्के इसी में आता है यही, और उसमें कुछ नहीं। देख लो, वेरिग्रेशन कर लो, कुछ टाइम को भेज दो। इधर क्या करने आए? इधर आए बस ये दयाल फरार लेकर गरीबों की तरफ नजर करो। किसने बोला यहाँ पे आने के लिए? बस मेरा दिल नहीं बोला। अच्छा, हाँ तो उसके लिए डीसी ऑफिस नहीं है इधर, क्या करने है? आ गया यहाँ हुकूमत है, हमने सुना लो आ गई, अंधेरा बीच निकल गया, अंधेरे से निकल गया लो में। वोट अगर देंगे किसको देंगे? वो भी देंगे हम जिसका हम आराम करें। हमने इतने साल बोला कि पीडीपी हुकूमत आई, नेशनल हुकूमत आई, किसे नहीं उस पूरे में देखा नहीं। तो वोट देंगे जब हुकूमत सीधी होगी, वोट उसको देंगे, जान भी देंगे तो फिर वोट नहीं देंगे। हाँ, वो उसे हालात नहीं मारे थे, हम हुकूमत वोट देंगे भी, हम उसे मरते रहे तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, छोटे छोटे 8 बचे मेरे को। उम्मीद है किसी पर? क्या उम्मीद है? खुदा पर है। किस पर? खुदा पर। और यकीन है तेरे ऊपर? यकीन दिलाना है, ईमान एक है, पर ईमान का चक करना पड़ता है। ईमान का मैंने बोला ना, मेरे पास 3 मरले जमीन है, 3 मरले जमीन है, खाली 3 मरले से और मेरे पास जमीन 8 बचे हैं मेरे। हम जाते थे पेंशन पर साल में, बहुत लोग आए उधर, कोई ऐसे मर गया कोहरे से, कोई ठंड से, नहीं आ सका। कसम से 3 साल हो गए मेरे को पेंशन के, जाते पटवारी के पास, एक कनाल का इंतखाब होना चाहिए। तुम्हारे तो बड़े बड़े गुजर लीडर थे, वो पूछी भी वही है सब, ये रिश्ते होते हैं। सूफी भी जाते हैं, गुजरों को कश्मीरियों के चले जाते हैं, कश्मीरियों को गुजरों के आ जाते हैं। ये मजहब तेरा मेरा कुरान एक है, तेरा मेरा कलमा एक है, इसमें क्या करेगी सूफी या कोई क्या करेगा? अब वोट किसको देंगे? वोट देंगे हम बस सिर्फ जनता को, वोट नहीं किसी को देंगे। अगर नहीं करें हम नहीं देना ही जनता को, क्यों? 70 साल मेरी उम्र है, 70 साल में मैंने कोई आराम नहीं देखा, कोई आराम नहीं देखा। मैंने बोला वेरिग्रेशन कर लू, वहां पर जाके 40 घर है, हमको कोई रास्ता है, हमको कोई सड़क है, हमको उधर बंद किसी ने दिया। मेरा मकान 50 फुट ऊंचे में है, ऊंचे में कितने में? 50 फुट 3 मरले जमीन है। आज वो आगे से निकल गया, चलो ना कोई वेरिग्रेशन ब्लॉक वालों कर लो उसकी वेरिग्रेशन। चाचा अपना नाम दसो। शफी मोहन। शफी क्यों रहते? मैं में रहते हैं। तो क्या अभी इजराए हम जलसे में? तुमने गुजरे? हाँ गुजर गुजर। हम किड़ी जलसा? हम इवले में रहते हैं। जलसा किए रहे? जलसा है इसका आबिद खान साहब का। आबिद खान इसी के लिए आया, इन्होंने हमारे को बहुत सहूलत बचाया है, हमारे का कार्ड भी दिया है इन्होंने, राशन मुफ्त दिया, 4-5 महीना 7 महीने के लिए राशन दिया, वो सहूलत देखा है। और इससे पहले कोई सहूलत हमारे को नहीं हुई, हूँ अब लाइटर की मुसीबत है। कितना एज है तुम्हारा? मेरा एज 5-7 साल है। 5-7 साल में किसको वोट दिया? 5-7 साल में नेशनल को दिया। नेशनल को? नेशनल। अब किसको दोगे? अब देगा इंशाअल्लाह जनता को, जनता को, जनता को, जनता को, जनता। चाचा सच बोला ना, कसम से, कसम से जनता, जनता तो बहुत है ना। ना 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 ना, आम को भी जनता साफ को देगा, साफ को देगा। देखो आम को भी जनता ही बोलते हैं, इंशाअल्लाह जनता को भी जनता ही बोलते हैं। जनता हमारी केयर में है, ये जनता कौन है तुम देख लिया ना? मैंने हम 10 साल से नहीं पहचान कर लेंगे ये कौन है या तुम कर लेंगे हमारा भाई? वोट डालेंगे ना? कितना जरूरी है वोट डालना? बहुत जरूरी है। देखो सोलर दे दिया उस दिन, सुन ले मेरे से, सोलर दे दिया वो, हम जंगल में बसते हैं, जंगल के नजर सोलर दे दिया, ये 11 सोलर के सब हमारे को दिया, क्यों नहीं वो हमारा पूरा क्यों नहीं दिया? ये हमने अपनी फंड से निकाला है, वो भी 5 अंधेरा ये हमारे से ले लिया उन्होंने, 500 रुपये। अच्छा इस साल हम इधर ही आ गए, ये सच बोलना, इधर आ गए 500 रुपये तुमको कार्ड देंगे, ऐसे 3री साल है मेरे को यहाँ इस पार्टी। चाचा चाचा सच बोलना, इधर इधर किस इधर किसने बुलाया आपको? इधर वो इधर हम आते हैं, हमारे हमको 4 साल हो गए, 3री साल हम आते हैं यहाँ। मेरे को 4 साल हो गए, मेरे को 3री साल है।
फायदा हो गया, राशन मिल गई, राशन मिल, ये फायदा गोल्डन कार्ड सर मेरे ख्याल, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, वो तो गवर्नमेंट को तुम्हें देना ही देना है, देना देना, मगर दिया ही नहीं, किसी उम्र में देखा नहीं, पहले दिया ही नहीं, पहले हमने देखा सरकार ने दिया नहीं, इस सरकार ने दिया, इस सरकार तक कहां जाता था राशन, मोदी साहब ने दिया, देखा था पैसे दे दे के राशन लेते थे, क्योंकि हमारा हम अनपढ़ लोग है, कोई बात नहीं चाचा, कोई बात ऐसी भी होता है, गलत नहीं करता, तुम बाबा है, तुम बाबा हम आज गलत नहीं बोलेगा, मेरी बात, तुम गलत, तुम कर सकते हो, इसकी आगे तीन साल एक साल आपको मुफ्त राशन इस हुकूमत में मिली, इस साल मिलती है, ये हमारा फायदा हुआ, और हमारा कोई फायदा, बीमार जब कोई बचा है तो हम जाते हैं अस्पताल में, गोल्डन कार्ड जो उसमें दवाई मिल जाता है, मैं बीमार रहा तीन महीने शिपिया से मेरे को दवाई मुफ्त। अच्छा एक चीज बताओ मुझे लास्ट में, हाँ जी, लीडर अनपढ़ होना चाहिए या पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसको पूछना है कि कुरान क्या कहता है, बाप क्या है, माई क्या है, बहन क्या है, हमसाई क्या है, उसको खुदा का पता होना चाहिए। कहाँ से आप? खुदुरा से जी। तो इधर क्या हुआ प्रोग्राम? इधर इसलिए आया जी, हम लोगों का कोई सलाई नहीं करता, जहाँ हम बैठता है 7 साल हो गए थे मुझे मालवन में बैठते हुए, जहाँ वो लोग है जो वहाँ का जो लीडर खड़ा हुआ है, उन्होंने हमारे खाने बदोश जो भी बकरवाल है उनके बात नहीं उठा सकी सर, तो हम उसी लिए यहाँ पहुँचा है खान साहब के पास कि हमारी बात उठाई जाए। अच्छा, हमारा कुछ हद नहीं है, कोई ऐसे काम नहीं करता, हम जहाँ भी जाते हैं पटवारी के पास या कुलगाम में जिस जगह में जाएंगे, हमारा कुछ नाम नहीं है सर, उधर कोई सुनता नहीं है, कोई लिख कर नहीं देगा हमको वोट, अगर वोट डालना, कितने साल से वोट डाल रहे हो? हमने पहले वोट डाल रहा था नेशनल को, मगर हमको शर्ट भी नहीं दिया, और जहाँ वहाँ हमारा कार्ड भी था मालवन में, हमारे बाप का जो कार्ड था वो भी कार्ड दिया, शर्ट तो पर्सनल हो गया, मुझे बता तरक्की नहीं होगी, कुछ तरक्की नहीं हुआ, हम किस में बैठ कर रहे, हम कखलों की गुलियों में बैठ कर है, आज कखलों की गुलियों में बैठ कर रहे, और तिरपाल लगा कर बैठ रहे हैं, हमारा थोड़ा जमीन है, पांच बार अगर वोट डालना होगा किसको डालेंगे? देखो हमारा जो माँ मुकान है, अगर तुम देखोगे तुम हैरान हो जाएगा, वोट किसको डालोगे? तो हम वोट उसको डालेंगे जो हमको भी हाथ का मदद करेगा, हमारा सारा होगा, हमारा मुकान देगा हमको, उसको हम वोट डालेंगे, उसी को वोट डालेंगे। अभी ये फैसला नहीं किया किसको डालेंगे, अभी फैसला नहीं किया हमने किसको डालेंगे, जो हमको दिए गए हाथ पर सारा रखेंगे उसको हम वोट डालेंगे सर, क्यों जी हम ऐसे पड़ा हुआ है खुलूर गांव में, देखो जहाँ मैं रहता हूँ वह रोड जो चल रहा है, देखो उसमें कितना खड्डा है सर, जब मैं बर्फ में जा रहा हूँ तो वहाँ पूरा इंसान नीचे जा रहा है रोड में, थोड़ा बनाया है, थोड़ा ऐसे रखा है, जो मेरा शहर है सर वहाँ अगर जाकर देखो तो उसको ऐसे मैंने लकड़ी लगा कर रखा है, पर्सनल तो है हमारा गाँव का क्या मसला बताऊंगा, गाँव तो गाँव में, मैं जब जहाँ बैठ कर मैं अपना बात कर रहा हूँ, जब हम हमारा गुजरों का कोई सुनता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? अभी फैसला नहीं किया, अभी कुछ फैसला नहीं किया जी, वोट किसको डालेंगे? हम खान साहब को डालेंगे, इधर इधर किस पार्टी? जब मैं खान साहब के साथ आया हूँ इंशाल्लाह, मैं खान साहब को वोट, किस पार्टी से है? खान साहब पीडीपी के साथ है, पीडीपी के साथ जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।